वेलकम बैक टू माय चैनल रितुस कुकिंग पैशन। आज हम मोदक बनाएंगे, तो बिना खोए के हम इसको बनाएंगे दूध और मिल्क पाउडर से। तो आइए शुरू करते हैं, इसे कैसे करके बनाते हैं। तो यहाँ पे मोदक बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कप दूध ले लिया है और एक कप दूध में हम दो कप मिल्क पाउडर डालेंगे। आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं, आपके घर में जो भी अवेलेबल है। तो हमें यहाँ पे दो कप मिल्क पाउडर डालेंगे और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमने यहाँ पे एकदम ही मीडियम रखा है, तो इसको हम अच्छे से दूध के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, और इसको कंटिन्यूसली हम चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे चिपक ना जाए। तो ये देखिए, ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच हम घी डालेंगे, तो इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखा है, अभी मीडियम ही रखना, और कंटिन्यूसली इसको चलाते जाएंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे। और अब इसी टाइम पे हम इसके अंदर एक पिंच हम केसर के धागे डाल देंगे, इसको फिर से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो अब इसी टाइम पे हम इसमें एक कप चीनी डाल, तो इसको चीनी को हम अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे हल्का हाथों से। तो ये देखिए, इसको हम कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे और इसको हम तब तक चलाएंगे जब तक के ये कढ़ाई में चिपक ना जाए। ये देखिए, ये कढ़ाई में और चिपक नहीं रहा है, तो इसको और थोड़ी देर हम इसको चलाते जाएंगे और थोड़ा पकाएंगे, फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा बहुत अच्छे से पक गया है, तो इसको हम अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। ये बहुत गर्म है अभी, और इसको ठंडा होने में ये गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए, ये बिल्कुल ही ठंडा हो गया है और हमने इसको सेट कर लिया है अच्छे से। तो अब हम हाथों में थोड़ा सा घी लेंगे और थोड़ा थोड़ा मिक्सर हाथ में लेकर एक बॉल सा बनाएंगे और इसको मोदक की शेप में डालेंगे। आपके पास अगर छाछ है मोदक बनाने की, तो आप उसमें भी डालकर तैयार कर सकते हैं, और पर मेरे पास वो नहीं है, तो मैं इसको हाथों की मदद से कैसे आप बनाएंगे वो हम बताएंगे। तो हाथों की मदद से आप ऐसे इसको हथेली में रखकर गोल गोल करके ऐसे कर लेंगे, और एक टूथपिक की मदद से आप इसको मोदक की अच्छे से शेप देंगे। तो ये देखिए, मैं कैसे कर रही हूँ, आप भी उसी तरह से करना। तो ये देखिए, ये तैयार हो गया है हमारा मोदक, एकदम बिल्कुल लग रहा है ना मोदक के जैसे। तो हम इसी तरह से सारे मोदक को तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा मोदक तैयार होकर रेडी है। तो आप इसको इस गणेश चतुर्थी में ज़रूर ट्राई करना, और आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।